नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप उली एफिड से तंग आ चुके हैं? क्या हजारों प्रयास के बाद उली एफिड से छुटकारा नहीं मिल रहा है? तब आपको इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। लगभग हर गार्डनर को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इसका प्रकोप सर्दी के प्रारंभ या अंत में अधिक दिखा जाता है। उली एफिड्स का प्रकोप दिखा जाता है मुख्य रूप से गुड़हल, गुलाब, एडेनियम आदि पेड़ों के साथ साथ सीजनल प्लांट्स और सकुलेंट्स पर भी। उली एफिड्स रस चूसने वाले कीड़े हैं जो रुई या ऊन जैसा रेशमी मोमी सफेद आवरण उत्पन्न करता है। आक्रांताओं से खुद को बचाने के लिए अक्सर डंठल पर कापास के जैसे समूह बनाती है। मोम के आवरण के कारण कीटनाशकों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे स्वयं पेड़ को क्षति कम पहुंचाते हैं पर पौधे के रोग और कवक फैला सकते हैं। उली एफिड के हमले के कारण होने वाली लक्षणों में मुड़े हुए पत्ते, पीले पत्ते, पेड़ की धीमी वृद्धि, पेड़ की कमजोरी और डाईबैक शामिल है। समय पर उनका विनाश ना करने से पेड़ मर सकता है। पेड़ों का नियमित दौरा यहां महत्वपूर्ण है। उन पेड़ों पर ध्यान दें जिन पर चींटियों की गतिविधि देखी जाती है। एफिड्स हनीड्यू नामक तरल का स्राव करते हैं जो बहुत मीठी होती है और भोजन के रूप में चींटियों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। उली एफिड्स को देखते ही हटाने की उपाय करें। प्रकोप कम रहते ही हटाएं। देर होने पर यह पूरे पेड़ के साथ आसपास की पेड़ों पर भी छा जाएगा। प्रारंभ में जब एक या दो स्थानों पर हमले हुए हों तो आप उन्हें हाथ से हटा सकते हैं, किंतु यदि अधिकतर जगहों पर आक्रमण हो जाए तो क्या करें? ऐसे स्थिति में आप यह सरल उपचार की उपयोग करें जो अचूक है और मेरे द्वारा परीक्षण भी किया गया है। थोड़ी सी सरसों की तेल ले और इसका उपयोग करने के लिए एक पेंट ब्रश। इस प्रकार से उली एफिड्स पर सरसों का तेल लगाएं। आप सरसों की तेल की जगह कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। केवल एक बार उपयोग करना ही यथेष्ट है। उली एफिड्स को उनकी मोमी आवरण में अवरुद्ध करता है तेल, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकता है। फलस्वरूप उली एफिड्स की निधन निश्चित होता है। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।